हेलो दोस्तों, हमारे चैनल एक्स वाई जेड ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दाद खाज खुजली की जो समस्या है बहुत तेजी से फैलती जा रही है। आजकल जिसके मुंह से सुनो वो कहता है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया है। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो सालों साल तक किसी का पीछा नहीं छोड़ती है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये जिंदगी भर भी आपके शरीर पर बनी रह सकती है। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आज मैं जो आपको नुस्खा बताऊंगा उस नुस्खे के कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से यानी कि हफ्ते भर के अंदर अंदर आप अपने दाद खाज खुजली से छुटकारा पा सकेंगे, चाहे आपके दाद खाज खुजली कितने भी पुराने हों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस बेहतरीन नुस्खे को। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं इस नुस्खे को। दोस्तों, इस नुस्खे में हमें सबसे पहले लेना है वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। ये देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो उसमें से भी आप एलोवेरा जेल निकाल सकते हैं, नहीं तो बाजार से आप ये पतंजलि का एलोवेरा जेल खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर हम लेंगे दोस्तों एक चम्मच एलोवेरा जेल। इस तरीके से हम इसके अंदर एक चम्मच एलोवेरा जेल ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी चीज हमें इसके अंदर इस्तेमाल करनी है वो है दोस्तों नारियल का तेल। ये देखिए दोस्तों, नारियल का तेल हर घर में आसानी से मिल जाता है क्योंकि इंडिया में 95% से ज्यादा लोग अपने घर में नारियल का तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हम लेंगे नारियल का तेल। नारियल का तेल आप कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने लिया है वो ही आप लें। तो इसके अंदर हम लेंगे एक चम्मच नारियल का तेल। इस तरीके से हम इसमें एक चम्मच नारियल का तेल ले लेंगे दोस्तों। अब जो तीसरी चीज हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो ज्यादातर हमारे घरों में पूजा के समय इस्तेमाल की जाती है, वो है दोस्तों कपूर। ये देखिए दोस्तों, आपको दो से तीन कपूर इस तरीके से ले लेनी है। अब आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक कटोरी के अंदर इसको डाल करके इसको पीस कर इसका एक पाउडर तैयार कर लेना है, जैसे कि मैं आपके सामने करूंगा। देखिए इस तरीके से आपको इसको पीस कर इसका एक पाउडर जो है तैयार कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इसका पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आपको इसके अंदर करीब लेना है पूरा जो हमने तीन कपूर पीसी है दोस्तों, पूरे का पूरा पाउडर आपको इसके अंदर जो है ऐड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पूरा जो कपूर का पाउडर है वो ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मिलने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा। दोस्तों, एलोवेरा क्या करेगा, एलोवेरा के अंदर स्किन रिपेयरिंग जो होती है क्वालिटीज होती है। दोस्तों, आपकी स्किन पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी तरह का डैमेज हो, एलोवेरा उसको रिपेयर करता है। और जो विटामिन और जो नारियल का तेल होता है, नारियल के तेल के अंदर विटामिन ई होता है भरपूर मात्रा में, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को खत्म करता है। और साथ ही साथ जो कपूर होता है उसके अंदर एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके फंगल इन्फेक्शन को जड़ से खत्म कर देती है। आप बाजार से कितनी ही दवाई खाते हो तो वो आपका जो फंगल इन्फेक्शन हो चला तो जाता है लेकिन वो बाद में वापस आ जाता है। लेकिन दोस्तों, कपूर का इस्तेमाल करने से ऐसा नहीं होता है। जो आपका जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जो स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं, वो एक बार चले जाते हैं, जो कपूर उनको फिर से वापस नहीं आने देता है। तो अब मैं आपको बताता हूं आपको इसका अपना इस्तेमाल अपने स्किन पर किस तरीके से करना है। तो अब आपको लेना है एक कॉटन बॉल यानी कि एक रुई। ये देखिए, एक रुई आपको लेनी है और इस जो हमने सीरम या पेस्ट जो तैयार किया है उसके अंदर आपको इस तरीके से डिप करना है। और जहां पर भी आपको इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, वहां पर आपको इस तरीके से उसके ऊपर लगा लेना है। ये देखिए, हाथों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर गलती से हाथ लग भी जाते हैं दोस्तों तो आपको अपने हाथों को साबुन से धो लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको लगा लेना है। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपको रात के समय सोते समय करना है। रात को सोते समय आप इसे जहां पर भी इन्फेक्शन है वहां लगा ले और सो जाएं, और सुबह नहाते वक्त इसको धो ले। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि जो आप कपड़े इस्तेमाल करें वो आप किसी को ना दें, या किसी को इन्फेक्शन है तो उसके कपड़े आप इस्तेमाल ना करें, तौलिया इस्तेमाल ना करें। और जो आपका तौलिया है, आपका अंडरवेयर है, जो आपके कपड़े हैं उन्हें धूप में सुखाएं। अगर धूप नहीं निकल रही है, बारिश का समय है, तो आप अपने कपड़ों को अच्छे से इस्त्री यानी कि आयरन करके प्रेस करके पहने, जिससे उसके अंदर जो इन्फेक्शन होंगे जो वो मर जाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको लगाने से हफ्ते भर में ही आप देखेंगे कि आपको पूरे तरीके से आराम मिल जाएगा और आपका जो फंगल इन्फेक्शन है, जो आपका दाद खाज खुजली है, वो जड़ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये नुस्खा मेरा आपके बहुत काम आएगा। तो आपको नुस्खा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।